जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही सुखी, समृद्ध और संपन्न होंगे और इसी के साथ आप बहुत खुश भी होंगे। दोस्तों, खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है और खुश रहने वाला इंसान अपने ऊपर आने वाली सभी समस्याओं को तुरंत प्रभाव से उसके निपटाने बहुत जल्दी उन समस्याओं को निपटा देता है। तो दोस्तों, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आप खुश रहेंगे तो अपने जीवन में कभी भी आपको दिक्कतों और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कलयुग में दोस्तों क्या होता है कि कलयुग में हमारे दुश्मन बहुत हैं, दुश्मन बहुत सारे होते हैं और दुश्मनों के कारण कलयुग में बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियां हमें छू करती है, निकल जाती है। और हमारे जो शत्रु होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अभी कलयुग में होते हैं। तो इस वजह से खुश रहें, यदि आप रहेंगे तो आपके जो शत्रु हैं वो भी आप पर यदि कुछ किया कराया करवाते हैं तो उन परेशानियों से आप तुरंत प्रभाव से उन पर निजात पा सकते हैं। दोस्तों, आज का जो उपाय है वो उपाय शत्रुओं को नाशक उपाय होने जा रहा है। दोस्तों, शत्रु नाश किस तरह के शत्रुओं को वो नाश करेगा और जो शत्रु आप पर कुछ किया कराया करवा रहा है, आप पर वो बुरी नज़र रखता है, घर की महिलाओं पर बुरी नज़र रखता है, आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है उस पर बुरी नज़र रखता है, तो दोस्तों ऐसे शत्रुओं के नाश के लिए ये उपाय आज का होने जा रहा है। दोस्तों, कलयुग में कभी भी कोई भी हो, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, शत्रुता ईर्ष्या वैमनस्य के भाव से पैदा हो जाती है। यानी कि लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं, लोग एक दूसरे से वैर पालने लग जाते हैं, लोग एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं और एक दूसरे की उन्नति से जलने लग जाते हैं। इस कारण से कलयुग में दुश्मन और शत्रु बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस कारण से जब हम कलयुग में रह रहे हैं तो हमें उस तरह के उपाय भी करते रहना चाहिए ताकि हमारी उन्नति, समृद्धि और तरक्की होती रहे। हम किसी के भी आगे याचक ना बने, क्योंकि यदि हमारी तरक्की होती रहेगी तो हमारी उन्नति होती रहेगी और हम ऊंचाई पर पहुँचते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि हम ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएंगे और हमारी तरक्की नहीं हो पाएगी तो उसके पीछे दुश्मनों का ही राज होता है, दुश्मनों का ही कारण होता है। शत्रु जो होते हैं वो आपसे वैर वैमनस्य की भावना रख करके आप पर कुछ किया कराया करवा देते हैं। और वो कुछ किया कराया छोटा मोटा नहीं होता, वो कुछ किया कराया इतना बड़ा हो जाता है कि वो तांत्रिक के पास जाते हैं, ओगड़ के पास जाते हैं, ओगड़ विद्या आप पर करवाते हैं और ओगड़ विद्या के कारण आपका जीवन जो है वो नरक बन जाता है। दोस्तों, यह आपको बिस्तर पर पटकने जैसी ऊपर की विद्याएं भी करवा देते हैं, जिससे कि आप अपना काम धाम नहीं कर पाएँ, कोई कुछ नहीं कर पाएँ तो फिर आपके घर में पैसा नहीं आएगा। मान लीजिए पैसा नहीं आया तो आप तरक्की कैसे कर पाएंगे, आप उन्नति कैसे कर पाएंगे। बहुत से लोग प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए भी इस तरह का कार्य करते हैं, बहुत से लोग घर की महिलाओं को हड़पने के लिए भी इस तरह का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, जो आज का उपाय होने जा रहा है वो बहुत ज़बरदस्त उपाय होने जा रहा है, तवे का उपाय आज होने जा रहा है। इस तवे के उपाय से आपका कोई भी भयंकर से भयंकर दुश्मन हो, बड़े से बड़ा दुश्मन हो, कितना भी बलवान शत्रु हो, कितना भी वो अपने में सामर्थ्य रखता हो आपको बर्बाद करने की, शत्रु टिक नहीं पाएगा दोस्तों आज के उपाय से। लेकिन ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको शनिवार को करना है, शनिवार के दिन इस उपाय को आपको करना है। शनिवार का दिन शनि महाराज का दिन होता है और इस दिन लोहे तवा जो होता है वो लोहे का होता है, तो लोहे का उपाय इस दिन आपको करना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही घातक उपाय यह आज का होने जा रहा है, इसलिए दोस्तों इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। उपाय बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप यदि बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। साथ ही में सावन का महीना चल रहा है दोस्तों, तो हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव लिखने से और बागेश्वर धाम सरकार लिखने से आपके जीवन में हमेशा उन्नति होती चली जाएगी। आपके जीवन में जो कांटे जो बो रहा है वो कांटे भी फूल बन जाएंगे। और दोस्तों, जब कांटे फूल बन जाते हैं तो ठाकुर जी की कृपा के साथ ही बनते हैं, बालाजी की कृपा के साथ ही बनते हैं। इसलिए आप जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आप पर बालाजी की कृपा 100% होगी दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब दोस्तों, उपाय क्या है ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, उपाय आपको शाम को करना है सूर्यास्त के समय, यानी जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, सूर्यास्त के बाद आपको इस उपाय को करना है। आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेकर के आना है, बाज़ार में मिलता है सरसों का तेल,
जो होता है पीले कलर का तेल होता है सरसों का, वो सरसों का तेल आपको बाज़ार से लेकर के आना है, और एक लकड़ी की डंडी या फिर किसी भी चीज़ से, लेकिन लकड़ी की डंडी हो तो ज़्यादा अच्छा है, और एक तवा आपको लेना है, जो तवा आपका ख़राब हो चुका तवा ले सकते हैं, या कुछ एक कमज़ोर सा यानी बिल्कुल पतला सा तवा, ज़्यादा मोटा तवा नहीं चाहिए। तवे कई तरह के आते हैं, जैसे तवा जो है मोटा भी होता है, तवे पतले भी होते हैं, तो आपको पतले पैंदे के तवे आपको लाने हैं। पतले पैंदे के तवे आप लेकर के आएँ, पतला पैंदे का एक तवा आप लेकर के आएँ, या फिर आपके पास पुराना सा कोई तवा पड़ा है, पुराना तवा जो कि आप रोटी बनाते थे उस समय, वो पुराना तवा आपको लेना है, या कोई नया तवा लें तब भी आप ला सकते हैं, और उस पर तवे को उल्टा कर देना है। उल्टा मतलब जैसे कि जिधर की तरफ से आँच लगती है, जैसे हम गैस पे तवा रखते हैं, चूल्हे पे तवा रखते हैं ना, तो निचली तरफ से आँच लगती है ना, तो उस निचली तरफ के हिस्से को आपको उल्टा कर देना, ऊपर की तरफ कर देना है, और उस पर उल्टे की तरफ आपको, उल्टे तवे की तरफ आपको किसी लकड़ी से, किसी डंडी से, या किसी भी से आपको नाम लिखना है अपने शत्रु का, यानी अपने शत्रु का आपको नाम लिखना है, और अपने शत्रु के आप 5 नाम तक लिख सकते हैं उस तवे पे। 5 से ज़्यादा यदि आपके शत्रु हैं तो आप नाम नहीं लिखेगा, लेकिन यदि आप 5 शत्रु या 5 से कम शत्रु हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, तो आप ज़रूर उस पर तवे पे आपको नाम लिखना है। तवे पे आप नाम लिख लीजिए। अब सरसों के तेल से आपने जब नाम लिखा, तो नाम लिखने के बाद आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आप उस शत्रु को जला रहे हो, उसका दाह संस्कार कर रहे हो, ऐसा आपको सोचना है। बहुत गुस्से में आपको उन शत्रुओं का नाम लिखना है, बहुत क्रोध में आपको उन शत्रुओं का नाम लिखना है कि इनका सब कुछ खत्म हो जाए, और ये मेरी तरफ कुछ भी नहीं कर पाए, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, आपको ऐसा कुछ नाम वहाँ पर लेना है। अब क्या करें, आप उस तवे को जिस पर भी आप खाना बनाते हैं, जैसे कि चूल्हा हो गया, गैस हो गया, स्टोव हो गया, जिस पर भी आप रोटी बनाते हैं, उस चूल्हे पर उस तवे को रख दीजिए, और झाल लगा दीजिए, आँच लगा दीजिए, आग लगा दीजिए, यानी चूल्हा जला करके तवे को आपको रखना है सीधा। आप सीधा रखें, जैसे वो रोटी बनाते हैं ना वैसे रखें, तो वो जो झाल है वो शत्रुओं के नाम पर लगती रहेगी, नीचे की जो आग है वो शत्रुओं के नाम पर लगती रहेगी। जैसे मान लीजिए आपने 5 शत्रुओं के नाम लिखे, तो 5 शत्रुओं पर उसकी आग उस तवे पर लगती रहेगी, नीचे से आग लगती रहेगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब उस तवे को थोड़ा वहीं रखिए, और अब उसको आप घर से बाहर ले जाइए। अब रात का समय है, या आपको रात के समय उपाय करना है, तो अब घर से बाहर यदि आप जा सकते हैं, यदि मान लीजिए आपके घर के आगे कोई ऐसी जगह है, खाली जगह है, तो वहाँ चले जाइए, और दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़े हो जाइए। दक्षिण दिशा में मुंह करके आपको खड़े हो जाना, या फिर आप छत पर भी जा सकते हैं, छत पर चल जाइए, तो वहाँ भी दक्षिण दिशा में मुँह करके खड़े हो जाइए। बहुत सी बार रात को हम बाहर नहीं जा पाते, क्योंकि बाहर का वातावरण थोड़ा ऐसा हो जाता है, रात का समय है, तो आप छत पर भी जा सकते हैं। छत पर जाकर के आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में आपको खड़े होना है, 5 शत्रुओं का आपको नाम लेना है, 5 शत्रुओं का नाम लेकर के उस तवे को ठोकना है, उस तवे को पीटना है। तवे के 2 टुकड़े भी हो सकते हैं, 3 टुकड़े भी हो सकते हैं, तवे को आपको तोड़ना है, तो तवे के 3 टुकड़े भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी तवे के टुकड़े हो सकते हैं, तो आपको आधे आधे टुकड़े अपने दोनों हाथों में ले लेने हैं। तवे को ठंडा होने के बाद करना है दोस्तों, ये हाथ मत जला लेना आप अपना, जब तवा ठंडा हो जाए तब आपको ये काम करना है। तो तवे के जो टुकड़े हैं, जैसे कि मान लीजिए 2-2 टुकड़े हुए, 4 टुकड़े हुए, तो 4 टुकड़े में 2 ही साथ में, 2 ही साथ में, यानी 2 सीधे हाथ में, 2 टुकड़े उल्टे हाथ में आपको लेने हैं। यदि विषम संख्या में टुकड़े हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक हाथ में 2 टुकड़े आ जाएंगे, एक हाथ में 3 टुकड़े आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, अब उन टुकड़ों को आपको शत्रु का नाम लेते हुए, जैसे कि सीधे हाथ में जो आपका टुकड़ा है उसको आपके राइट साइड में आपको फेंकना है, नहीं, सीधे हाथ में जो टुकड़ा है उसको लेफ्ट साइड में फेंकना है, यानी उल्टी तरफ, और जो सीधे, जो उल्टे हाथ में आपका टुकड़ा है ना उसको सीधी दिशा में फेंकना, सीधे हाथ की तरफ फेंकना, यानी उल्टा फेंकना है। जैसे मान लीजिए आपके सीधे हाथ में तवे का टुकड़ा है, तो आपको उसको उल्टे हाथ की तरफ फेंकें, और जो उल्टे हाथ में जो आपका तवे का टुकड़ा है उसको सीधे हाथ की तरफ फेंकें, और दोनों को एक साथ फेंकना है, दोनों को एक साथ फेंकना है, एक एक करके नहीं फेंकना कि एक सीधे हाथ से फेंक दिया, उल्टे हाथ से फेंक दिया, दोनों को एक साथ फेंकना है, दोनों टुकड़ों को एक साथ आप फेंक दें, दोनों दिशाओं में फेंक दें, विपरीत दिशाओं में आप फेंक दें, ठीक है। दोस्तों यकीन मानिए, आपका शत्रु किसी लायक नहीं रहेगा, आपका शत्रु जिंदगी भर जलता रहेगा, उसका मान सम्मान पैसा रुपया सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो बस केवल अपनी ज़िंदगी में जलता ही रहेगा। जैसे तवे पे जल रहा था ना,
उसी तरह से वो आप ज़िंदगी में जलता रहेगा। आप पर कुछ करवाना तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी खुद की सुधी पर उड़ेगा, यानी उसको खुद को अपनी सुध नहीं होगी तो आप पर वो क्या करवाएगा। जिंदगी भर वो शत्रु परेशान रहेगा, ज़िंदगी भर आपसे वो आनाकानी करता रहेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन आप पर कोई भी आँच नहीं आएगी। तो दोस्तों ये उपाय था शनिवार का। तो आप कमेंट, यदि उपाय अच्छा लगा वो एक लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। लाइक करने से बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आप पर होगी, महादेव जी की कृपा आप पर होगी, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से इस उपाय को लेकर के आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।